वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आय लोच। तो उपभोक्ता की आय किसी व्यक्ति की मांग को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, यदि आय घटती है तो मांग भी घटती है। तो आय एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। मांग की आय लोच का अभिप्राय किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन से है, जो अन्य बातों के समान रहने पर उस उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप दिखाई देती है। यानी सारे तत्व स्थिर है, परिवर्तन केवल आय के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप यदि व्यक्ति की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है तो इसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। मांग की आय लोच इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आनुपातिक परिवर्तन किसमें, आय में। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, आय में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ आप देखिए, मांग की आय लोच इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे क्या है ये। डेल्टा x इक्वल टू चेंज इन डिमांड, यानी मांग में परिवर्तन। उसके बाद है x इक्वल टू इनिशियल डिमांड, यानी प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग तब जब आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद है डेल्टा y इक्वल टू चेंज इन इनकम, यानी आय में परिवर्तन। उसके बाद है y इक्वल टू इनिशियल इनकम, यानी प्रारंभिक आय, यानी आय में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आय यहाँ पर स्थिर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y डॉट y अपॉन x। तो ये हमारा फॉर्मूला है मांग की आय लोच को ज्ञात करने का। तो मांग की आय लोच को ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आय लोच की श्रेणियां। आय लोच की श्रेणियां पांच होती है, जिसके अंतर्गत नंबर एक पर है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, यानी एक से अधिक आय लोच। यहाँ पर क्या है, हमारी लोच कैसी है, एक से अधिक है। आय लोच कैसी है, एक से अधिक है। नंबर दो पर है यूनिटरी इलास्टिक, यानी यहाँ पर आय लोच कैसी है, यहाँ पर आय लोच एक के बराबर है। नंबर दो पर है इकाई लोच, यानी कि एक के बराबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। तो यहाँ आप देखिए इस चित्र के अंतर्गत, यहाँ आप देखेंगे कि मांग में परिवर्तन, मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है और आय में कम परिवर्तन होता है। यानी आय में कम परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ देखिए डेल्टा y अपॉन y इज लोअर देन डेल्टा x अपॉन x, यानी आय में परिवर्तन कम अनुपात में हुआ है, लेकिन उस परिवर्तन के तुलना में, उस परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये बात सिद्ध होती है। यहाँ देखिए हमारी आय लोच कैसी है, हमारी आय लोच एक से अधिक है। एक से अधिक का अर्थ है मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन और आय में कम परिवर्तन। तो यहाँ इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं डी डी, ये हमारा मांग वक्र है। और मांग वक्र के साथ साथ आप यहाँ देखिए कि आय में परिवर्तन कैसा है, आय में परिवर्तन y से y1 यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ देखिए इस परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन x से x1 की तरफ दिखाई दे रहा है। तो x से x1 की तरफ परिवर्तन आप देख सकते हैं। x अक्ष पे आपको दिया गया है
क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स और वाई अक्ष पे आपको दिया हुआ है इनकम यानी कि आय। तो हमारा ये जो आय लोज है, इस आय लोज के अंतर्गत आपने ये देखा कि आय में परिवर्तन कम हुआ है, लेकिन उस कम परिवर्तन के फलस्वरूप भी मांगी गई मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में अपनी आय का अधिक भाग खर्च करता है। वहां आय में कम परिवर्तन होने के बावजूद भी विलासिता की वस्तुओं पर बहुत अधिक मात्रा में खर्च किया जाता है। तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में ये आय लोज पूरी तरह से सत्य सिद्ध हो रही है, जहाँ विलासिता की वस्तुओं में आपने ये देखा कि आय में कम मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में वस्तुओं पर अधिक से अधिक मात्रा में खर्च किया जाता है। तो वहां देखिए विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में परिवर्तन का अनुपात आय में कम होता है, लेकिन खरीदी गई वस्तुओं के संदर्भ में वो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो इस चित्र के माध्यम से भी हमने इस चीज को पूरी तरह से सिद्ध किया। यहाँ आपने ये देखा कि आप ये देखिए आय में कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारी आय लोज कैसी है? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इस स्थिति में हमारी आय लोज कैसी है? 1 से अधिक है, यानी आय में कम परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन। आय में कम परिवर्तन यानी आय में परिवर्तन कम है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में। तो यहाँ ये देखिए डेल्टा वाई अपॉन वाई इज लोअर देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और आय लोज कैसी है? आय लोज 1 से अधिक है। इसी के संदर्भ नंबर 2 पर है यूनिटरी इलास्टिक, यानी इकाई के बराबर आय लोज। तो इकाई के बराबर आय लोज के अंतर्गत आप ये देखेंगे डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ आप ये देखेंगे कि दोनों ही दिशा में परिवर्तन का अनुपात एक समान है। जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, उसी अनुपात में मांगी गई वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन दिखाई देता है। किसी भी प्रकार का कोई अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं देता, दोनों एक ही अनुपात में परिवर्तित होते हैं। यानी जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन दिखाई देता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए इस दशा में आय लोज कैसी होती है? इस दशा में आय लोज 1 के बराबर होती है, इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए आय लोज कैसी है? आय लोज इज इक्वल टू 1। और स्थिति कैसी है? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के बराबर है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे x अक्ष पे आपको दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी x, और y पे दिया हुआ है इनकम। यानी आप यहाँ देखिए कि आय में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ है, उसी अनुपात में परिवर्तन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स में भी दिखाई दिया है। तो यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी आय में परिवर्तन इज इक्वल टू मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस स्थिति में आय लोज कैसी है? इस स्थिति में आय लोज 1 के बराबर है, यानी इक्वल टू 1। तो पहली स्थिति में कैसा था? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये कैसा था? ये 1 से ज्यादा था। यहाँ पर आय लोज 1 से अधिक है। लेकिन दूसरी स्थिति में कैसी है? दूसरी स्थिति में ये 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन का अनुपात 1 बराबर है। जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में मांगी गई मात्राओं में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस संदर्भ में आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय लोज 1 से अधिक है। आय लोज 1 से अधिक होने के नाते यहाँ देखिए कि आय में परिवर्तन कम हुआ है, लेकिन मांगी गई मात्राओं में अधिक से अधिक मात्रा में परिवर्तन दिखाई दिया है। ऐसा परिवर्तन केवल विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में ही दिखाई देता है, जहाँ व्यक्ति अपनी आय का अधिक भाग खर्च करता है, आय में कम वृद्धि होती है, लेकिन खर्च की गई मात्रा वहाँ पर अधिक होती है। वृद्धि तो होती है, लेकिन भले ही कम मात्रा में वृद्धि हो, लेकिन उसकी तुलना में विलासिता की वस्तुओं पर अधिक मात्रा में खर्च किया जाता है।